इतिहास देखकर आपने रामलीला मैदान में ही की महारैली, केजरीवाल ने इसलिए किया मंच को प्रणाम। अन्ना आंदोलन के साथ साथ कई आंदोलन की कामयाबी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए रामलीला मैदान को चुना। इसका उल्लेख स्वयं केजरीवाल व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया। मुख्यमंत्री ने 12 साल पहले रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए आंदोलन की चर्चा करते हुए मंच को प्रणाम किया। साथ ही दावा किया कि 12 साल पहले की तरह इस बार भी वे कामयाब होंगे। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रामलीला मैदान का लंबा इतिहास रहा है। यह रामलीला मंचन व राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। देश आजाद होने के बाद यहां से कई आंदोलन शुरू हुए और कामयाब हुए। इस तरह रामलीला मैदान आजाद भारत का धर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र है। इस मैदान से बड़ी बड़ी क्रांति शुरू हुई है और आज यहां से ही आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी क्रांति शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। उस आंदोलन के परिणाम से पूरा देश वाकिफ है। आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान को जन्मभूमि मानती है और दिल्ली में 3 बार सरकार बनाने के लिए यहां पर शपथ लेने के बाद उसका ग्राफ बढ़ने की कामयाबी भी उसके दिमाग में है। आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अर्जुन करार दिया। कौरवों ने पांडवों से राज छीना, वैसे ही आपसे छीनने का प्रयास मेरा रंग दे बसंती चोला और सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पर डालो। देशभक्ति से ओत प्रोत गानों के बीच रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को कौरवों की सेना जबकि आम आदमी पार्टी को पांडव करार दिया। उन्होंने भाजपा पर आपसे राजपाट छीनने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे।